हेलो दोस्तों, एवेलन इग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले सबकी जबान पर एक किला आता है जो कि कई सालों से हॉन्टेड है, ऐसा दावा किया जाता है। इस किले का इतिहास ही इस किले को हॉन्टेड बनाता है, साथ ही इस जगह पर कई पैरानॉर्मल टेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड सफर। भानगढ़ का किला। ये भानगढ़ का किला 16 सेंचुरी में बनाया गया था और ये राजस्थान में है। राजस्थान में रहने वाले लोग इसके इतिहास से वाकिफ हैं, इसलिए वो रात में तो क्या, यहाँ दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। गांव के लोग नहीं जाते हैं। गांव के लोग में शाम की 6 बजने के बाद में कोई भी नहीं जाता है, यहाँ नो एंट्री है। ये किला भगवत दास ने अपने बड़े भाई माधव सिंह के लिए बनवाया था। ये किला सरिस्का रिजर्व के बॉर्डर पर स्थित है जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में पड़ता है। लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव रखते हैं वो यहाँ गए भी और यहाँ से सही सलामत निकले भी, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसे सबूत लेकर आए जो शायद सही में काफी हैरत अंगेज थे, और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आइए जानते हैं क्या इतिहास है भानगढ़ का। तो यहाँ की कहानी यू है कि बहुत साल पहले ये भानगढ़ एक बहुत सुंदर किला था और यहाँ आसपास काफ़ी रौनक थी क्योंकि आसपास गांव थे, और यहाँ इस किले में एक बहुत सुंदर रानी रहती थी जिनका नाम रत्नावती था। ये रत्नावती उस समय की आसपास के राज्यों की सबसे सुंदर स्त्री थी, और इस रानी पर नज़र पड़ गई एक तांत्रिक की जो कि रानी को किसी भी हाल में पाना चाहता था। उसे पता था अगर वो रानी से सीधा इजहार करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसने काले जादू को अपनाने का रास्ता चुना। रानी रत्नावती को अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाना बहुत पसंद था। एक दिन एक इत्र में काला जादू करके उस इत्र को रानी तक पहुंचाने का उस तांत्रिक ने सोचा, इसलिए मौका देखकर वो तांत्रिक बाजार में इत्र बेचने निकला और किसी तरह रानी को वो इत्र बेचने में सफल हुआ। उस इत्र में काला जादू किया हुआ था जिसका असर कुछ यूं होता कि जो भी वो इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला जाएगा। इत्र लेकर रानी अपने महल पहुंची और उस इत्र को इस्तेमाल करने ही वाली थी कि इत्र के काले राज रानी तक पहुंच गए और उस इत्र की बोतल को उस रानी ने पहाड़ पे गिरवा दिया, जिसके कारण एक बड़े पहाड़ का टुकड़ा उस तांत्रिक की ओर खींचा चला गया और तांत्रिक उस पहाड़ के नीचे आकर मर गया। पर कहते हैं कि उस जमाने में अगर कोई किसी को श्राप देता था तो श्राप का बहुत बड़ा असर होता था। मरने से पहले उस बाबा ने श्राप दिया कि भानगढ़ कभी खुश नहीं रह पाएगा और जो भी इस किले में या इस किले के आसपास बसने आएगा वो कभी यहाँ रह नहीं पाएगा। उन बातों का असर कुछ यूँ हुआ कि भानगढ़ पर कुछ दिन बाद हमला हो गया और वहाँ कई लोग मारे गए। उसके बाद यहाँ कोई बस नहीं पाया। एक और कहानी है जो बड़ी ही फेमस है, और वो ये है कि यहाँ पर एक चुड़ैल थी जो रत्नावती की सुंदरता से बड़ी ही नफरत करती थी और वो रत्नावती को मारना चाहती थी, इसलिए उसने काला जादू किया रत्नावती पर और वो जादू उस चुड़ैल पर ही भारी पड़ गया। उस दिन के बाद से यहाँ आसपास उस चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने यहाँ रहने वालों का जीना मुश्किल कर दिया। एक और कहानी जो बहुत फेमस है जिसे आसपास के लोग बहुत मानते हैं वो ये है कि भानगढ़ बनने के बाद यहाँ एक बाबा रहने आया जिसने एक श्राप दिया कि अगर किसी ने उसके घर से बड़ा घर बनाया या किसी के घर की छाया उस बाबा के घर पर पड़ी तो उस दिन से भानगढ़ का विनाश शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें कितनी हद तक सच है ये तो आज हम भानगढ़ की हालत देखकर बता ही सकते हैं, लेकिन क्या हालत हुई होगी भानगढ़ के पास रहने वाली जनता की, इस बात की सच्चाई तो हमें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ भानगढ़ के साथ जिसकी वजह से ये पूरा उजड़ गया और इस कदर उजड़ा कि दोबारा कभी बस ही नहीं पाया। यहाँ भानगढ़ में कुछ पैरानॉर्मल है, इन बातों को यूं ही नहीं कह सकते जब तक यहाँ पर पैरानॉर्मल टेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ बहुत पैरानॉर्मल टेस्ट हुए जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ रात को रुके और सच जानने के लिए हॉन्टेड फैक्ट्स उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू इकट्ठे किए।
यहाँ कई न्यूज चैनल ने न्यूज कवर की और किसी न किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के थ्रू यहाँ रुके। आज तक की टीम यहाँ दो बार आ चुकी है और इस किले में रात को रुक कर उन्होंने बहुत सबूत इकट्ठे किए हैं। आइए जानते हैं क्या किस्से कहानियां हैं जो किले को हॉन्टेड बनाते हैं। यहां बैठने वाले गार्ड्स अक्सर बताते हैं कि प्रशासन के मना करने पर भी यहां कुछ बच्चे एक बार किले में घुस गए थे और उन्होंने इस किले में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने गार्ड्स के भी होश उड़ा दिए। उन बच्चों ने बताया कि अंदर उन्होंने पूरा सजा हुआ बाजार देखा और ऐसी रौनक देखी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। बच्चे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? चोरियों कर रहे, अंकल जी आवाज आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। बस ये बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाजें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है, मतलब आत्मा और कुछ ऐसा नाइट को आता है। और मार्केट भी कुछ बताते हैं चोरियों का, जैसा मार्केट लगता था नाइट को। लोगों के अनुभव के हिसाब से राजा आज भी रात को इस महल में आता है और यहाँ अपनी प्रजा से बातें करता है। जिनके मंदिर में कुछ शक्तियाँ हैं जो इंसानों को अपने होने का एहसास कराती है। डांसर्स के कक्ष में से घुंघरू की आवाज़ आना। आज भी यहाँ एक कमरा है जिसे डांसर्स की हवेली कहा जाता है और वहाँ बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें महसूस की है। हम जाते नहीं अंदर, किसी भाई के साथ में हो जाता है। एक दिन 10 दिन पहले नौरता की बात थी ना, उस दिन एक आदमी गेट से आगे खत्म हो गया था। इस महल में घूमना इतना आसान नहीं क्योंकि लोगों के हिसाब से यहाँ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई और भी होता है। और भी कई जगह है इस किले में जो कि हॉन्टेड है और इसे हॉन्टेड बताने वाले हम नहीं, ना ही न्यूज चैनल है, बल्कि प्रशासन भी इस बात पर यकीन करता है और शायद आज आप भी इस किले को हॉन्टेड मान ही ले। लोगों के हिसाब से इस किले में रात में कुछ ऐसा होता है जो आम इंसानों के लिए देखना, महसूस करना बहुत डरावना है। कहा जाता है कि दिन में जितना सुनसान वीरान ये किला दिखता है, रात में इस कमी को पूरा करने वाले भूत इसे रौनक से भर देते हैं। इसलिए तो भानगढ़ का एक और नाम है, भूतों का गढ़, यानी भानगढ़। रात में ये भानगढ़ वही भानगढ़ बन जाता है जो ये था। जिस तरह की बसावट इस किले में थी और इसके आसपास जो भी बाजार थे वो सब अपने आप शाम ढलते ही उजागर हो जाते हैं और जिस भी बदकिस्मत ने इस डरावने मंजर को एक्सपीरियंस किया वो ये सब बताने लायक नहीं बचा। कई और चीज़ें हैं जो यहाँ देखी जाती है, जैसे यहाँ के बंदर जब बैठे होते हैं तब उनकी नज़र पहाड़ की चोटी पर बने एक किले पर होती है। कहते हैं कि उस किले में वो तांत्रिक रहता था जिसकी नज़र ऊपर से पूरे महल पर होती थी। अब बंदर ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण किसी को नहीं पता। एक और रहस्यमय बात जो टूर गाइड्स बताते हैं वो ये है कि महल के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था जहाँ रानी बैठा करती थी। रोज़ सुबह वहाँ पर एक गुलाब का फूल पाया जाता है। इसका मतलब रात को कोई आता है और वहाँ फूल रख कर चला जाता है। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी गुलाब का फूल नहीं मिलता और ना ही उगाया जाता। कहते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ ऊपर रहती है और वही है जो रोज़ रात को रानी के नाम फूल रखता है। आइए अब देखते हैं न्यूज़ वालों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर क्या सबूत इकट्ठे किए। सबसे पहले न्यूज़ की टीम और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पहुंचे जिनके मंदिर। इस जिनके मंदिर में लोगों का ये मानना है कि आज भी यहाँ जिन रहते हैं। हैरतअंगेज की बात यह है कि यहाँ का वातावरण हमेशा खुशबू से भरा रहता है और ऐसा माना जाता है कि जिन्नों को खुशबू बहुत पसंद होती है। यहाँ की खुशबू क्यों बदल रही है? जैसे मैंने आपको बताया, ये जिन्नों का अभी भी ये जिन्नों की गुफा मानते हैं, तो यहाँ अभी भी आज भी अगरबत्ती हो या धूप हो ऐसे कुछ ये जिन्नों को प्रसन्न करने के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इस कमरे का हाल बताएं तो इस कमरे में सिर्फ आकृति है जो दीवारों पर बनी है। यहाँ पर आज तक की टीम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करा, पर आगे एक गुफा थी जिसमें सिर्फ अंधेरा था। जहाँ जाने की कोशिश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने की तो वहाँ पर चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स चमगादड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने यहाँ की इन्वेस्टिगेशन रोक दी और वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचे राजा के महल, जहाँ ये बताया जाता है कि आज भी वहाँ दरबार लगती है और एक खजाना भी है जो भानगढ़ के किले में छुपा हुआ है, जिसे बचाने के लिए राजा के रक्षक हैं। इस टीम ने अपनी तहकीकात शुरू की, जहां उन्होंने इस्तेमाल किया EMF रीडर। EMF रीडर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर, जो कि ऐसी तरंगों को पकड़ता है जो कि बिजली से बनती है और आत्मा भी अपने होने का एहसास इसी तरंगों से बताती है। इस महल में हर जगह EMF रीडर नेविगेट किया और EMF रीडर में चेंजेस दिखे। इसकी सुई एकदम से मूव हुई, जिसका मतलब वहाँ कोई एनर्जी तो थी। इस रीडर में एक क्वेश्चन के बाद बहुत फ्लक्चुएशंस हुई और वो क्वेश्चन था, क्या यहाँ कोई है? इस क्वेश्चन के बाद EMF रीडर में हरकत देखी गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे EMF रीडर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये क्या था, ना तो आज तक की टीम समझ पाई और ना ही इन्वेस्टिगेटर्स, पर जो भी था बहुत दिल दहला देने वाला था। इन्वेस्टिगेटर अक्सर डायरेक्टली बात करते हैं और उन्होंने राजा के महल में एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन ये था कि अगर उस राजा के महल में कोई और भी है तो वो आवाज़ करके बताए। और जैसे ही ये बात बोली तो एकदम से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। क्वेश्चन करने के बाद इस आवाज़ का आना बहुत ही अजीब था। ये आवाज़ किसकी थी? ये सवाल इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहा था। यहाँ महल में कई जगह EMF रीडर कामयाब हुआ, इसलिए इस EMF रीडर को आगे भी इस्तेमाल किया गया और एक और कमरे में EMF रीडर को लगा दिया गया। वहाँ गौरव ने क्वेश्चन किया कि अगर इस महल में कोई और है तो वो इस EMF रीडर के पास आकर बताए। और जैसे ही ऐसा एक क्वेश्चन बोला गया, उसके बाद ही EMF रीडर में फ्लक्चुएशन हुई, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस EMF रीडर के पास आई हो। ये फ्लक्चुएशंस EMF रीडर में होना बहुत ही अजीब था और ये सब तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इशारा कर रहा था। अब एक बात जो डांसर्स की हवेली में सुनाई देती है वो थी घुंघरू की आवाज़ें, और इस कमरे में सच में वो आवाज़ें आज तक की टीम ने नोटिस की। भानगढ़ के किले में एक कॉरिडोर है जिसे बहुत भूतिया माना जाता है और वहाँ पर एक फिगर कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। ऐसी एक पिक्चर इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसलिए अब इन्वेस्टिगेटर्स इस कॉरिडोर में गए। यहाँ इन्वेस्टिगेटर की टीम ने इन्फ्रारेड मोशन सेंसर यूज़ किया, जो किसी भी तरह के मोशन पर जल उठता है, और उसे इस कॉरिडोर में सेट कर दिया गया और फिर कुछ मिनट बाद वो सेंसर जल उठा। ये कैसे हुआ? क्या सच में वो कॉरिडोर हॉन्टेड है? यकीन कीजिए, सबूतों को देखकर हमारे लिए भी वीडियो बनाना बहुत डरावना है। जी न्यूज़ ने भी इस किले में स्टे किया और यहाँ से कुछ सबूत इकट्ठे किए। इन सबूतों में इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने आप को कई जगह सफोकेटेड पाया, ठंडा महसूस किया, जिसका कारण नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। उन्होंने कई जगह इस किले में रूम टेम्परेचर के चेंजेस देखे। अब ये सब इस किले को हॉन्टेड बनाता है, लेकिन इस बीच साइंस इसे गलत बताती है। आइए साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों EMF रीडर यहाँ अक्सर फ्लक्चुएट होते हैं, क्यों यहाँ पर कई बार लोग अपने आप को सफोकेटेड पाते हैं, क्यों रूम टेम्परेचर में यहाँ चेंजेस नोटिस किए जाते हैं। दरअसल साइंस ये बताता है कि पहाड़ों से पानी किले के नीचे से जाता है, जिसके कारण वहाँ अक्सर पानी की आवाज़ें सुनाई देती है और उन आवाज़ों को अक्सर भूतिया समझा जाता है। दूसरी बात, ये किला बहुत साल पुराना है और ये लाइमस्टोन से बनाया गया है, जिसके अंदर मिनरल्स में मूवमेंट होती है, उसी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनती है और EMF रीडर उन एनर्जीज को डिटेक्ट करता है कि जो भी मिट्टी और जिस चीज़ से बनी हुई है ये भानगढ़ का किला, इसमें मिनरल्स काफ़ी हैं और मिनरल यानी लाइमस्टोन इस टाइप की जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। हो सकता है इस मिनरल की वजह से कई जगह हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन मिल रहा हो, लेकिन जैसा हमने दूसरी जगह पे देखा है ऑन कमांड जलना, वैसा कहीं कुछ नहीं मिला है। रूम टेम्परेचर का कारण यहाँ की ओपन विंडो को बताया जाता है। इस महल में बहुत सारी ओपन विंडो है
जिसके अंदर से हवा आती जाती रहती है और शायद इसी वजह से रूम टेम्परेचर में चेंजेस देखे जाते हैं। बहुत से लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आने वाली रेस को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग सफोकेटेड फील करते हैं। उसी को फिर समझते हैं कि मेरा गला दबा रहा है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप आओगे ना, अब जैसे आपने देखा होगा श्रिंकिंग, जैसे अगर आप कहीं पर ऑक्सीजन कम कर दें तो चॉकिंग फीलिंग होगी ना आपको, तो ये चॉकिंग फीलिंग होने लगती है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा गला कोई दबा रहा हो, तो लोगों को क्या लगता है कि कोई आके हमारा गला दबाता है यहाँ पे, जो कि वो एक्चुअल में कोई आउटर एनर्जी आके नहीं दबा रही, बल्कि इट इज एन लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लेकिन इन रीजंस को देखने के बाद भी एक सवाल आपके मन में और हमारे मन में भी था। प्रशासन और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो यहाँ रुकना मना क्यों है? उसका भी एक रीजन है जो साइंटिफिक है और कई हद तक लॉजिकल भी है। ये किला अलवर जिले में पड़ता है और ये सिरस का बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से कई बार आसपास के इलाकों में तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ, सांप और भी जंगली जानवर आसपास देखे जाते हैं। यही नहीं, कई बार किले में लोगों ने सांप देखा है, जो कि एक खतरा बन सकता है रात के अंधेरे में आने वालों के लिए। साथ ही यहाँ कोई बिजली की सप्लाई नहीं है और ना ही इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसके कारण अगर कोई यहाँ मुसीबत में फंसता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। ASI के हिसाब से भानगढ़ रातों रात तबाह हो गया और उसका रीज़न इस पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। कई चट्टानों को इस किले की ओर छोड़ा गया था, जिसकी वजह से सब मलबे में दब कर मर गए और कई घर मलबा बन गए। पर इस बीच यहाँ आज भी खजाना मौजूद है और ये बहुत होगा, जो कि मलबे के नीचे महल की गुप्त गुफाओं में होगा। पर इन गुफाओं में जाने की, मलबे को हटाने की इतनी मेहनत कौन करेगा? क्योंकि खजाना है, इस बात का भी कोई पूरा सबूत नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इस किले में कुछ भूतियाँ नहीं हैं। यहाँ की कहानी किससे सिर्फ इसलिए है ताकि लोग इस महल से दूर रहें, ताकि लोग इस महल की बची चीज़ों को खराब ना करें, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा यहाँ खजाना है तो वो महल को नुकसान पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से एक मॉन्यूमेंट खराब होगा, साथ ही इसके पास रिजर्व को इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन भूतिया किस्सों को इतनी हवा मिल रही है। वैसे भी अगर देखा जाए, जो तांत्रिक था वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि उसके एक श्राप पर पूरा भानगढ़ श्रापित हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि उसने अपने काले जादू का प्रयोग गलत हिसाब से किया और वो एक गलत इंसान ही था। देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जीज का होना भानगढ़ में ये कोई डिवाइस कन्फर्म नहीं करती और ना ही यहाँ पूरी तरह साइंटिफिक रीजन सप्लाई होते। कमाल की बात तो ये भी है कि यहाँ हमला हुआ, ऐसा कोई हिस्ट्री इंसिडेंट भी नहीं लिखा गया। शायद हम लोग आज भी भानगढ़ की हिस्ट्री से अनजान हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते आप सभी लोगों से एक सवाल, आप लोगों का क्या मानना है? क्या सच में साइंटिफिक रीजंस की वजह से यहाँ पर कोई बस नहीं पाता, या फिर आज तक हम भानगढ़ की हिस्ट्री से अनजान हैं? इस बात पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।